हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट टू लेक्चर से हम एक पोएम दैट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग उसके बारे में डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में पोएम के फर्स्ट टू और थ्री स्टेंजास कंप्लीट करवाए थे आपको, और आई होप आप किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उससे आगे की लाइंस में हम देखते हैं क्या है। तो इससे पहले हमने जो फ्रेगमेंट पढ़ा था उसमें हमने ये बताया था आपको कि द ड्यूक एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डचेस, एंड देयर ही एक्सप्लेन दैट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी पॉसिबल दैट फ्रॉ पेंडल्फ वुड से दैट हर मेंटल लैप्स इज टू कवर टू हर रिस्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट फ्रॉ पेंडल्फ वुड से दैट ही नेवर होप टू पेंट सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। तो ये सारे रीजन्स बताए थे उसने उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है उसके पीछे। तो उससे आगे अब अगर हम बात करें तो आगे देखिए क्या है कि आगे वो एक्सप्लेन करता है, और आगे की लाइंस में जो ड्यूक है वो अपनी लास्ट वाइफ या लास्ट डिसेस के जॉयफुल नेचर के बारे में बताता है, या कैसे उसका नेचर काफ़ी हैप्पीएस्ट था या हैप्पी वाला था। तो देखते हैं, कहता है सी हैड अ हार्ट हाउ शल आई से टू सून मेड ग्लेड टू इजली इम्प्रेस्ड सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। क्या कह रहा है कि सी हैड अ हार्ट हाउ शल आई से द स्पीकर या द ड्यूक एक्सप्लेन्स the joyful nature of his last duchess and says that the last duchess had a heart that becomes glad very easily या very soon, it was impressed। मतलब कि वो ये कह रहा है कि उसकी duchess जो कि अब सी इज़ नॉट अलाइव, जिंदा नहीं है, बट वेन सी वर अलाइव सी हैड अ हार्ट, उसके पास ऐसा हृदय था जो कि ईजली इम्प्रेस हो जाता था, ईजली खुश हो जाता था। तो वो ऐसे हार्ट की बात कर रहा है, ऐसा हार्ट किसके पास था, उस डचेस के पास या उसके लास्ट वाइफ के पास। फिर आगे वो क्या कह रहा है कि she liked whatever she looked on, it means when she were alive, जब वो जिंदा थी तो she liked everything, वो सारी चीज़ों को पसंद करती थी। whatever she looked on, जो कुछ भी वो देखती थी वो सारी चीज़ों को पसंद करती थी। and her looks, और उसकी आँखें या उसकी नज़र went everywhere, चारों तरफ जाती थी। मतलब वो अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाती थी और चारों तरफ जो कुछ भी उसको दिख जाता था वो सब में खुश हो जाती थी। मतलब हर एक चीज़ उसको खुशी प्रोवाइड करती थी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो उसके जॉयफुल नेचर को शो कर रहा है, तो जॉयफुल नेचर को ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि जो कुछ भी वो देख रहे उसी से खुश हो रही है। तो हाउ जॉयस सी हैड अ हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है वो कि सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रिज द ड्रूपिंग ऑफ डे लाइट, ड्रूपिंग मीन्स सनसेट या द हाइडिंग ऑफ डे लाइट इन द वेस्ट, द बो बो मतलब ब्रांचेस ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर ऑर्चर्ड गार्डन।
द वाइट म्यूल, म्यूल लेडी हॉर्स, घोड़ी जिसको आप बोलते हो, सी रोड विद द राउंड द टेरेस, ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक अप्रूविंग, अप्रूविंग मतलब अप्रिशिएटिंग स्पीच और ब्लस एट लीस्ट. तो फर्दर ही एक्सप्लेन्स हाउ सी हैड अ हार्ट, या हाउ वॉज द हार्ट ऑफ लास्ट डिचेस. लास्ट डिचेस के पास कैसा हर्ट था उसके बारे में बता रहा है. उससे पहले आपने अभी बताया ना, आपने पढ़ा कि उसने ये कहा था कि सी हैड अ हार्ट दैट बिकम्स ग्लैड वेरी सून एंड वेरी ईजली. इट वॉज इम्प्रेस्ड एंड सी लुक्स एवरीथिंग एंड सी लाइक्स एवरीथिंग. वो सारी चीज़ें देखती थी, देखती है और देख उसको पसंद भी करती है, ऐसा उसके पास हृदय था. तो आगे वो बता रहा है, उसी का एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या क्या चीज़ें देखती थी और क्या क्या वो पसंद करती थी. तो वो कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, सारी की सारी चीज़ें मेड हर इक्वली हैप्पी. सारी की सारी चीज़ें उसको बराबर से ही खुशियाँ प्रोवाइड करती थी. मतलब एवरीथिंग वॉज द सेम फॉर हर, उसके लिए सारी चीज़ें क्या थी, सेम थी. एंड एवरीथिंग मेड हर इक्वली हैप्पी, और सारी चीज़ें उसको बराबर मात्रा में खुशियाँ देती थी या बराबर से ही खुशियाँ प्रोवाइड करती थी. अब वेदर इट वॉज द ऑर्नामेंट और प्रेजेंट फ्रॉम हिम, चाहे वो कोई ऑर्नामेंट हो, कोई आभूषण हो, और चाहे कोई वो गिफ्ट हो जो कि प्रोवाइड किया गया हो किसके द्वारा, फ्रॉम हर या बाय हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के द्वारा दिया गया हो, दैट सी वोर ऑन हर चेस्ट, जो उसने अपने सीने पे लटका रखा है, मतलब जिसने जिसको उसने अपने गर्दन में पहन रखा है. द सन सेटिंग इन द वेस्ट, अभी लिखा था ना यहाँ पे ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट. देखो बच्चों, समझने की कोशिश करो कि डे लाइट ड्रॉप हो रही है, लॉस हो रही है, कहाँ, वेस्ट में. दिन की रोशनी पश्चिम में जाकर के खो रही है, इसका मतलब क्या है कि सूर्यास्त हो रहा है, पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा है. तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है कि वेदर इट वॉज एन ऑर्नामेंट और प्रेजेंट फ्रॉम हर हस्बैंड, और द सन सेटिंग इन द वेस्ट, और अ ब्रांच ऑफ चेरीज विच अ पर्सन ब्रोकन फ्रॉम ऑर्चर्ड या फ्रॉम गार्डन फॉर हर, चाहे वो एक चेरी का ब्रांच हो जो कि किसी पर्सन के द्वारा गार्डन से तोड़ करके उसके लाया, उसके लिए लाया गया हो, और द वाइट म्यूल सी रोड ऑन अराउंड द टेरेस, या वो वाइट म्यूल या वो जो घोड़ी थी सफ़ेद जिसके साथ वो टेरेस पे क्या करती थी, सवारी करती थी, रोड अराउंड घेरा वहाँ घूमती थी. एवरीथिंग वॉज गुड फॉर हर, एवरीथिंग सी लाइक, इट मीन्स सी वुड से द सेम appreciating words और गिव द सेम रिस्पॉन्स टू ऑल ऑफ देम. वो सारे के सारी चीज़ों को सेम रिस्पॉन्स देती है या सेम appreciating words देती है. कौन सी सारी चीज़ों के बारे में, अभी पहले बताया, वेदर इट इज़ एन ऑर्नामेंट या प्रेजेंट फ्रॉम हर हस्बैंड, चाहे उसके हस्बैंड की तरफ से कोई गिफ्ट दिया हुआ उसको, चाहे सनसेट का टाइम हो, चाहे कोई चेरी हो ब्रांच, एक चेरी का ब्रांच, और चाहे वो क्या हो, वाइट म्यूल की सवारी हो या घोड़ी की सवारी हो. एवरी ऑब्जेक्ट वॉज गुड, या एवरीथिंग वॉज गुड फॉर हर, एंड सी
would say the same appreciating words or give the same response to all of them. मतलब सारी चीज़ें उसको पसंद आती थी और सारी चीज़ों की वो बराबर सी तारीफ़ करती थी, एक जैसी ही तारीफ़ करती थी, सारी चीज़ें उसको पसंद आती थी और यही उसका नेचर ड्यूक के लिए नागवार गुजरा। मतलब उसकी वाइफ हर एक चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है, तारीफ़ कर रही है, तो वो इस चीज़ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। आगे देखते हैं। सी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक सम हाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ सी रैंक्ड My gift of 900 years old name with anybody's gift. क्या कह रहा है? She thanked man. वो लोगों को क्या करती थी? Thanks कहती थी, धन्यवाद अदा करती थी. It is good habit. I know it is good habit. But she thanked somehow. लेकिन वो thank कहती कैसे थी? I can't explain. मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता। मतलब उसको अपनी वाइफ में ये क्वालिटी अच्छी लग रही कि वो थैंक्स कहती थी लोगों को, बट उसके थैंक्स कहने का तरीका उसको पसंद नहीं आ रहा था। आगे वो क्या कहता है कि वो इस तरह से क्या कह रहा है, द ड्यूक ऑब्जेक्ट्स टू हर मैनर ऑफ थैंकिंग मैन। वो क्या कह रहा है कि उसको ऑब्जेक्शन है। किस चीज़ पर ऑब्जेक्शन है? उसका जो एक मैनर है लोगों को थैंक्स कहने का, उसके उस मैनर पे ऑब्जेक्शन है। किसके मैनर पे? उस डचेस के, अपनी वाइफ के। ही कंप्लेन्स दैट, वो क्या कहता है, व्हेन सी थैंक टू अदर्स, जब वो क्या कहती है, दूसरों को थैंक्स कहती है, तो वो क्या कहता है कि ही कंप्लेन्स दैट सी वैल्यूज हिज लाइनेज या सोशल पोजिशन। देखो बच्चों ये लिखा है ना, 900 ईयर ओल्ड नेम, 900 साल पुराना नाम। 900 साल पुराना नाम का कहने का मतलब उनकी ये जो वंश है, ये जो परंपरा है राजा की, वो 900 साल पुराने टाइम से चली आ रही है। तो वो कह रहा है कि मेरे इस 900 साल पुराने नेम को जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति के गिफ्ट के साथ क्या कर देती है, कंपेयर कर देती है। कब? जब वो दूसरों को क्या कहती है, थैंक्स कहती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब वो दूसरों को थैंक्स कहती है तो उसको ऐसा फील होता है दैट सी इज़ कंपेयरिंग हिज 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट। वो उसके 900 साल पुराने नाम का या उसके पोजिशन का या उसके रैंक का किसी के भी गिफ्ट के साथ क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। सो इन दीज फोर लाइन्स द पोएट ऑब्जेक्ट्स द मैनर ऑफ थैंकिंग मैन। ही कंप्लेन्स दैट सी वैल्यूज हिज लाइनेज या हिज सोशल पोजिशन एज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू एनी बडीज या टू एनी वंस एल्स गिफ्ट टू हर। किसी भी के गिफ्ट से उसको कंपेयर कर रही है, उसके नाम को, उसके सोशल पोजिशन को। वी ऑल्सो लर्न दैट द स्टेटस एंड रेस्पेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज फॉर द ड्यूक। इन लाइन्स को आप पढ़ लिए होंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो ड्यूक है उसको अपना स्टेटस कितना प्यारा है, उसको अपना नाम कितना प्यारा है, कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि उसकी वाइफ उसके गिफ्ट को किसी और के गिफ्ट के इक्वल में रख रही है, बिल्कुल बराबर रख रही है। तो वो इस चीज़ को बियर नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आज के इस पेज में जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि पहले तो वो अपने वाइफ के जॉयफुल हर्ट के बारे में बताता है कि उसका एक ऐसा हर्ट था, ऐसा हृदय था जो छोटी छोटी सी बात पे खुश हो जाया करता था और छोटी छोटी सी बात पे इम्प्रेस हो जाया करती थी वो। और वो ये भी बताता है कि वो सारी चीज़ें देखती थी और सारी चीज़ों की वो एक समान तारीफ करती थी। उसके लिए सारी चीज़ें एक जैसी थी, चाहे वो उसके सीने पे लटकता हुआ
उसके उसके हस्बैंड के द्वारा दिया गया गिफ्ट हो, चाहे वो वेस्ट में सनसेट टाइम हो, चाहे वो ब्रांच ऑफ चेरी हो जो कि किसी पर्सन के द्वारा उसको गिफ्ट किया जाता है, चाहे वो राइडिंग हो किसका, वाइट म्यूल का, एवरीथिंग वॉज सेम फॉर हर, सब कुछ उसके लिए बराबर था। एंड सी अप्रिशिएट इन सेम मैनर टू ऑल ऑफ देम, उन सारी चीज़ों को वो एक जैसे ही मैनर में अप्रिशिएट करती थी। फिर आगे वो ये भी बताता है कि सी थैंक्ड मैन, वो बताता है लोगों को थैंक्स भी बोलती है, और ये भी बताता है इट इज़ गुड हैबिट बट ही इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द मैनर इन विच सी थैंक टू मैन, उस मैनर को बताने में वो फेल हो जाता है जिस मैनर से या जिस मैनर में वो लोगों को थैंक्स कहती है। फिर वो ये भी बताता है कि व्हेन सी थैंक्स टू अदर्स, जब वो दूसरों को थैंक्स कहती है, इट सीम्स टू द ड्यूक, ड्यूक को ऐसा सीम्स होता है या ऐसा प्रतीत होता है दैट सी इज कंपेयरिंग हिज 900 ओल्ड ईयर नेम्स टू एनीबडीज गिफ्ट, वो उसके 900 साल पुराने नाम को किसी भी व्यक्ति के गिफ्ट के साथ कंपेयर कर रही है, उसको ऐसा फील होता है। आगे देखते हैं बच्चों, फिर कहता है हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, क्या कहता है क्यों ओके बच्चों, तो देखो क्या कह रहा है कि हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, स्टूप मतलब होता है बच्चों झुकना, बेंड, और ट्रिफलिंग होता है फ्रिविलस थिंग्स या ट्राइबल थिंग्स, मतलब तुच्छ चीज़ें या फालतू की चीज़ें। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट, मतलब हेटफुल टू मी, हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। तो देखिए पोएट क्या कर रहा है इसमें, या ड्यू क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क अ क्वेश्चन दैट हु या वेदर एनी वन वुड एक्चुअली लोअर देमसेल्व्स इनफ टू आर्ग्यू विद समवन अबाउट देयर बिहेवियर। इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति किसी के बिहेवियर से दुखी है, किसी की बातों से दुखी है, और वो उससे इस बात पे आर्ग्यू करे कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला या तुम्हारी इस बात से मुझे हर्ट हुआ, और ऐसा सुनने के बाद सामने वाला अगर वो अपनी गलती फील करे, तो भी इस तरह की चीज़ें उसके लिए क्या है, लोअर फीलिंग देने वाली होती है या उसको बेंट या स्टूप करने वाली होती है, मतलब उसको झुकने पे मजबूर करने वाली स्थिति का आभास दिलाती है। तो पहले वो क्वेश्चन यही करता है कि इज देयर एनी पर्सन हु आर्ग्यूड फॉर द अदर्स बिहेवियर, इज देयर एनी पर्सन हु वुड एक्चुअली लोअर देमसेल्फ लाइक दिस। तो ये वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरे के बिहेवियर पे क्वेश्चन क्रिएट करे या उससे आर्ग्यू कर करके अपने आप को इतना नीचे गिराए। देन ही सेज इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, फर्दर ही सेज दैट कि इफ यू हैड द स्किल टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स एंड एक्सप्लेन दैट दिस थिंग इन यू इज नॉट गुड एंड दैट थिंग इन यू इज गुड, इफ
You are doing so. You are going to be stoop या you are going to bend. तो भी आप झुकने की तरफ ही जा रहे हैं. कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखने की कोशिश कीजिएगा कि बोलता है even had you skill in speech, if you have skill in your speech to make clear your view about the other's behavior and if you are able to explain that in the other's behavior this thing is good and that thing is not good, or you are able to explain that the other's behavior disgust you या give happiness to you, या if you are able to explain the other that you miss या you fail here and you cross the limit there, in this way या in such condition it will be stoop या it will be bend for the duke. अगर ऐसा होता भी है तो ये duke के लिए क्या रहेगा, झुकने के समान रहेगा. एक बार वापस से देख लीजिए. तो वो ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के व्यवहार के लिए आर्ग्यू करके अपने आप को नीचा गिराने की कोशिश करेगा. फिर वो कहता है कि अगर आपके पास स्किल है, बात करने की स्किल है, कला है, और आप सामने वाले व्यक्ति को ये चीज़ एक्सप्लेन कर सको कि आपकी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, या आप अपने आदतों से यहाँ पे फेल हो गए और यहाँ पे अपनी लिमिट क्रॉस कर गए, और ऐसी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो और सामने वाला अगर अपने आप में सुधार ला लेता है या सुधार कर लेता है तो भी उसके लिए ये झुकने के समान होगा. क्यों? क्योंकि आगे देखिए क्या कह रहा है. एंड इफ़ सी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड, सो अगर आपने उसको उसकी गलतियों का एहसास दिला दिया. एंड इफ़ सी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड, सो लेसन मतलब हो गया टॉट या इंस्ट्रक्टेड. अगर वो अपने आप को इंस्ट्रक्टेड कर ले या इस तरह से सीख ले ले उस तुम्हारी बातों से. नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स एंड मेड एक्सक्यूज इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग. कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि अगर आप सामने वाले को आर्ग्यू के तहत उसकी गलतियां बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने यहाँ गलती की है और तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है, ये आदत बुरी है और ये आदत अच्छी है, और सामने वाला व्यक्ति अगर तुम्हारी बातों से एक सीख लेकर के अपनी आदत में सुधार कर लेता है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी एक्सक्यूज, इवन देन इट विल बी स्टूपिंग. तो भी ये क्या होगा, झुकने के समान होगा. तो क्या कहता है आगे देखिए. फर्दर द ड्यूक सेज या फर्दर ही सेज इफ डचेज हैड चेंज्ड हर बिहेवियर आफ्टर कंप्लेनिंग ऑफ ड्यू या आफ्टर द कंप्लेंट ऑफ ड्यू, इफ द डचेज हैड चेंज्ड हर बिहेवियर इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टबन मतलब कठोर एंड मेकिंग एनी एक्सक्यूज, इवन देन इट वुड बी लोअर टू हिम. ये उसके लिए क्या रहेगा, लोअर फील कराने वाली बात होगी. एंड ही रिफ्यूजेज टू एवर लोअर हिमसेल्फ. आगे लिखा हुआ है ना कि एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, इट मीन्स ही नेवर या ही चूज दैट ही विल नेवर स्टूप. उसने ये चूज किया कि वो कभी स्टूप नहीं करेगा या वो झुकेगा नहीं. अगर इन लाइन्स को आप देखें तो आप इन सारी लाइन्स में एक चीज़ आप देख चुके होंगे कि वो क्या चीज़ शो करने की कोशिश कर रहा है, कि वो डचेस से ऊपर था. इट मीन्स ही इट सजेस्ट या दीज लाइन्स सजेस्ट दैट द ड्यूक व्यूज हिमसेल्फ अबव द डचेस. वो अपने आप को डचेस से ऊपर मानता था. तो बच्चों इस पेज में हमने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि पहले तो वो एक क्वेश्चन पुटअप करता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को
लोअर फील करवाएगा या अपने आप को नीचा दिखाएगा ये पूछ करके या ये कह करके कि सामने वाले का बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता या ये उसकी आदत अच्छी नहीं लगती। फिर वो कहता है कि यदि हमारे पास स्किल भी है, बोलने की स्किल है, अच्छी खासी स्किल है, और हम सामने वाले को ये चीज़ रियलाइज़ करवा दें कि तुम्हारे अंदर ये कमी है और ये गलती है तुम्हारी और यहाँ पे तुम फेल हो गए, यहाँ पे तुम अपने लिमिट क्रॉस कर गए, और उसके बाद सामने वाला अपने आदत में, अपने बिहेवियर में चेंज लाता है, तब भी ये एक प्रकार की स्टूपिंग होगा, एक प्रकार के झुकने के समान होगा। और ड्यूक ने तो हमेशा से ये चीज़ चूज़ किया है कि ही विल नेवर स्टूप, वो कभी भी झुकेगा नहीं। तो आई होप बच्चों आज के लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हुई हो, कोई वर्ड, कोई लाइन आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो यू कैन आस्क मी थ्रू द मैसेज और थ्रू द कमेंट। थैंक यू।